मार्वल का नाम सुनते ही ताजमहल की छवि आंखों के सामने आ जाती है और हमें भी तलाश रहती है ऐसे ही स्टोन की जो हमारे निर्माण में चार चांद लगा दे। पर ताजमहल के मार्बल से भी टॉप क्वालिटी मौजूद है मकराना में, और इस वीडियो में हम मकराना मार्बल की कुछ अलग अलग किस्म के बारे में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जहीर भाई और मोहम्मद आरी भाई का धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने पूरी जानकारी जुटाने में मदद करी, और इनकी अपनी माइंड्स भी है। ताजमहल इसका जीता जागता उदाहरण देख, 300 साल के करीब हो गई है। तो जो ताजमहल में लगा है मार्बल वो यही मार्बल है? वो उसकी मकराना मार्बल उस टाइम पे आप देख लो टेक्निक नहीं थी, और आज टेक्निक है, तो उस टेक्निक के अंदर भी है ना आज भी खराब नहीं हुआ है, थर्ड क्वालिटी है वो इस मार्बल की। इसमें से वाला ये ब्लॉक है मकराना चकडुंगरी मार्बल का, चकडुंगरी ये ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस माइंस है मकराना चकडुंगरी मार्बल के नाम से। इसका एक्चुअल में प्रोडक्ट स्लेब से मार्बल फ्लोरिंग के लिए सबसे ज्यादा काम में आता है। अच्छी क्वालिटी के मकराना मार्बल के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनके नंबर वीडियो में दिए हुए हैं। तो आइए मकराना मार्बल की वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले जान लेते हैं इस पूरे प्रोसेस को कि अच्छी क्वालिटी का मार्बल कैसे निकाला जाता है। लगभग 300-400 फुट की गहराई तक माइनिंग करने के बाद अच्छी क्वालिटी का मार्बल निकलना शुरू होता है, जिसको ड्रिलिंग मशीन द्वारा काट लिया जाता है, फिर क्रेन की मदद से ऊपर निकालकर ट्रैक्टर व ट्रकों की मदद से उस आरा मशीन तक पहुंचाया जाता है, जहां इनके चौकोर ब्लॉक बना दिए जाते हैं। इन बड़े चौकोर ब्लॉक्स को कई ब्लेडों वाली मशीन से चपटी टाइल्स में काट दिया जाता है, जिस आकार में स्टोर में आपको दिखाई देती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है, इस पूरे प्रोसेस में काम आने वाला पानी रिसाइकल करके फिर से काम में लिया जाता है, और पाउडर को कोलगेट व मेडिसिन बनाने के लिए सप्लाई कर दिया जाता है। मार्बल की टाइल्स बनाने के बाद बचे हुए टुकड़ों को भी उपयोग में ले लिया जाता है, जिनसे कई प्रकार की सुंदर कलाकृतियां बना दी जाती है। कैल्शियम की प्रचुर मात्रा होने के कारण इसकी डस्ट भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। आइए अब बात करते हैं मकराना की कुछ फेमस किस्म की। सबसे उच्च क्वालिटी का मार्बल जो भारत में निकलता है वो है मकराना व्हाइट मार्बल, जो पूरी तरह से सफेद होता है। आबू धाबी में शेख जायद मस्जिद इसी मार्बल की बनी हुई है। दूसरे नंबर पर आता है डूंगरी मार्बल, जो एक और उच्च क्वालिटी का भारतीय मार्बल है। इसमें व्हाइट और सलेटी रंग का मिक्स पैटर्न होता है। तीसरे नंबर पर आता है अल्बर्टो मार्बल, जिसमें व्हाइट मार्बल में ब्लैक या सलेटी रंग की लाइंस होती हैं। फ्लोरिंग में इसका काफी उपयोग किया जाता है। और चौथे नंबर वाला मार्बल जिससे ताजमहल बना है वो है व्हाइट मार्बल, जिसमें व्हाइट स्टोन पर कुछ पैटर्न्स होते हैं पर वो फिक्स नहीं होते, और ये मकराना मार्बल में तीसरी या चौथी क्वालिटी का मार्बल है। मकराना मार्बल की कुछ खास क्वालिटी ये है, ना तो ये धूप में गर्म होता है और ना ही समय के साथ इसकी चमक फीकी पड़ती है, बल्कि समय के साथ इसकी चमक में और निखार आता जाता है। मार्बल से जुड़ी अगर कोई और जानकारी आप चाहते हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगा HR मार्बल टीम का, जिन्होंने इस पूरी वीडियो को बनाने में मदद करी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।